हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अपने बालों को कैसे कर्ल करें विदाउट यूजिंग कलर और स्ट्रेटनर। सो मैं आज आपसे एक हेयर एक शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक कोई कपड़ा, इस तरह का क्लॉथ। सो अगर आपके पास कोई स्कार्फ है या हेयर बैंड है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो मेरे पास ये दुपट्टा है, यही इस टाइम अवेलेबल था तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। सेकेंड चाहिए आपको वाटर, और मेरे पास ये वाटर मैंने फिल किया हुआ है स्प्रे बॉटल में। तो सेकेंड आपको चाहिए वाटर स्प्रे बॉटल। और फर्स्टली आपको क्या करना है, अपने हेयर को अच्छे से कॉम करना है, अच्छे से अपने हेयर की करनी है पार्टीशन। सो मैं इस तरह से अपने हेयर की कर लेती हूँ पार्टीशन। तो गाइस, मैंने अपने हेयर की पार्टीशन कर लिया और मैं कर रही हूँ कॉम, अच्छे से कॉम करना है। कोई भी टैंगल हो हेयर में वो रिमूव करना है, क्योंकि एक बार जब हमारे कर्ल बन जाएंगे तो फिर हम कॉम नहीं कर पाएंगे अपने हेयर को। सो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल क्लॉथ हो उसको इस तरह से सेंटर में लगाना है, एंड एक पिन से इसको, और फिर एक पिन से इसको सेट कर देना है ताकि जो दुपट्टा है ये हिले ना। तो इस तरह से थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं और उसको फोल्ड करते जाना है टाइटली, इस तरह से। सेकंड, अगर आपको कर्ल यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ से फोल्ड करते हुए जाएं, अगर आपको कर्ल थोड़ा नीचे से चाहिए तो आप उसी तरह से फोल्ड करते हुए करें अपने हेयर को। सो इस तरह से हेयर को करते जाना है फोल्ड, फिर थोड़े से हेयर लेने और उसको भी करते जाना है फोल्ड। जैसे हमने ये वाले हेयर टाई किए, उसी तरह हम इस पोर्शन के भी हेयर को थोड़ा थोड़ा लेंगे और टाई करते जाएंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से अपने हेयर को टाई कर लिया है। अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो आप पीछे भी इस तरह से हेयर को टाई कर सकते हो, बट मेरे जो हेयर है वो लॉन्ग है, दैट्स वाई मैंने इस तरह से अपने हेयर को टाई कर किया है। और आप साइड बंस भी बना सकते हो, और मैं अब इसको 4 आवर्स के लिए इस तरह से रहने दूंगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर 4 आवर्स। 2000 years later. सो गाइज, मैंने दूसरी साइड भी ओपन कर लिया एंड यू कैन सी दी रिजल्ट, काफ़ी अच्छे कर्ल्स आए हैं। मैंने आपको वीडियो से के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 4 आवर्स के लिए रखूँगी, बट मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि मैं चेक करूँगी 2 आवर्स में कितने रिजल्ट्स आते हैं। तो वो ये रिजल्ट जो आए वो 2 आवर्स में आए हैं। अगर मैं 4 आवर्स के लिए करती तो और भी बेटर्स आ सकते थे, बट 2 आवर्स में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो।
मैं थोड़ा पीछे होके आपको दिखाती हूँ, आपको पूरे हेयर्स मेरे दिखें। सो गाइस सच में यू कैन सी। सो अगर आपको भी ये हैक अच्छा लगा हो तो आप भी इस हैक को ट्राई कर सकते हो अपने घर में और अपने हेयर को अच्छे से कर्ल कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग और विदाउट यूजिंग एनी अप्लायंसेस।